उसको चेंज करना था, उसको जो ट्रांसपोर्टेशन नहीं जम रहा था एक्चुअली, ट्रांसपोर्टेशन का 2 आवर्स हो जा रहा था, तो उसका बहुत ट्रैवलिंग में ही अपना टाइम वेस्ट हो जाता है, उसको चेंज करना था। तो हमने वहाँ पर अप्रोच भी किया रफत मैम से, अप्रोच किया रफत मैम से रिजल्ट के बारे में, क्योंकि लोग रिजल्ट सारे कॉलेजेस का आ गया, उनका रिजल्ट नहीं आया था। अच्छा, तो हमने बात किए थे, उन्होंने बात किए थे, तो हमको ऐसे रीजन मिले कि वो सीट का क्या होगा, सीट कैसे फील होगी। तो हमने कहा कि वो हमारा कंसर्न नहीं है, तो हमको मैडम से मिलने को कहा गया। जब हम लोग मैडम से मिलने गए तो मैडम भी अवेलेबल नहीं थे, कोई भी अवेलेबल। अच्छा, मतलब अवेलेबल नहीं थे लोग। आज 11 जून को आज रिजवी कॉलेज में FY BSc IT का रिजल्ट हाँ सिस्टर लेने गई थी, लेकिन वो कुछ और रेस्ट्रिक्शन लगा रहे कि ये मैराथन में मैराथन के लिए रजिस्टर करो, ये तो कंसेंट नहीं था। फीस आपने किस लिए के लिए, आपको फीस नहीं लेना चाहिए था ना, मैराथन का ये रजिस्ट्रेशन फीस ले लो, रिजल्ट दे दो। स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में, मैं हूँ जिशान आजमी। आज की ताजा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली न्यूज अपडेट आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल सके। आखिर में QR कोड दिया हमारे चैनल की सहायता करने के लिए, QR कोड स्कैन करके आप भुगतान भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। रिजवी कॉलेज बांद्रा पश्चिम बच्चों को शिक्षा देता है या बिजनेस करता है? कॉलेज एक ज्ञान का मंदिर है, लेकिन जब वहां पर कोई डिमांड या शर्तें लागू होने लगे तो लोग उसे ज्ञान के नाम पर बिजनेस चलाना कहेंगे। 11 जून को रिजवी कॉलेज बांद्रा में परीक्षा परिणाम का दिन था। कॉलेज में रिजल्ट देने से पहले कॉलेज ने ₹750 मैराथन रजिस्ट्रेशन टिकट खरीदना अनिवार्य कर दिया गया। क्या ऐसा कोई GR है? क्या कॉलेज ऐसा नियम बनाने के लिए अधिकृत है? छात्र रिजल्ट लेने कॉलेज गए, उन्होंने यह कहकर रिजल्ट देने से इनकार कर दिया कि आपको मैराथन रजिस्ट्रेशन टिकट खरीदना होगा। छात्र ने प्रिंसिपल को शिकायत पत्र लिखा, लेकिन दुर्भाग्य से वो पत्र स्वीकार नहीं किया गया। अगर छात्र प्रिंसिपल से मिलना चाहता है तो क्या करें? सुरक्षा गार्ड ने छात्र को प्रिंसिपल से नहीं मिलने दिया। यह कैसा कॉलेज है? अभिभावक ने कॉलेज के स्टाफ को कॉल कर प्रिंसिपल का नंबर मांगा, लेकिन उनको अनुमति नहीं थी, उन्होंने प्रिंसिपल का नंबर नहीं दिया। रिजवी कॉलेज के स्टाफ ने फोन पर बताया कि आज उन छात्र को रिजल्ट मिलेगा जो मैराथन रजिस्ट्रेशन टिकट खरीदेगी, अगर जो छात्र टिकट नहीं खरीदता है उनको एक हफ्ते बाद बुलाया जाएगा। कॉलेज के तकनीकी स्टाफ ने कहा कि 19 को BKC पर मैराथन होने वाला है, हम इससे पहले रिजल्ट नहीं दे सकते। छात्र का कहना है कि कॉलेज पहले से ही रिजल्ट देने में देरी कर चुका है, अब वे और देरी कर रहे हैं, इस देरी की भरपाई कौन करेगा? एक छात्र दूसरे कॉलेज में शिफ्ट करने के लिए आवेदन करता है तो स्टाफ कहता है कि हमारी सीट खाली हो जाएगी, हमारा नुकसान होगा। कई छात्र बड़ी दूर से आते हैं, उनका वक्त कीमती होता है, छात्र को बहुत बड़ी परेशानी होती है, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और आखिर में उनको निराश होकर खाली हाथ लौटना पड़ता है। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आज हम चर्चा करेंगे रिजवी कॉलेज के बारे में। आपका नाम बताइए और रिजवी कॉलेज में कौन पढ़ता है? मेरा नाम हुसैन है, मेरा सिस्टर पढ़ता है। अच्छा, आपकी सिस्टर का क्या मसला था, उनको दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर करना था, उस पर क्या चर्चा हुई आपसे? उसको चेंज करना था, उसको जो ट्रांसपोर्टेशन नहीं जम रहा था एक्चुअली, ट्रांसपोर्टेशन का 2 आवर्स हो जा रहा था, तो उसका बहुत ट्रैवलिंग में ही अपना टाइम वेस्ट हो जाता है, उसको चेंज करना था। तो हमने वहाँ पर अप्रोच भी किया रफत मैम से, अप्रोच किया रफत मैम से रिजल्ट के बारे में, क्योंकि लोग रिजल्ट सारे कॉलेजेस का आ गया, उनका रिजल्ट नहीं आया था। कब आ गया सारे कॉलेजों का रिजल्ट? कब आ गया दूसरे कॉलेजों का आ गया था? कितना टाइम हो गया? मई में आ गया था रिजल्ट, मई में आ गया था, और रिजवी कॉलेज का अभी तक नहीं आया, मतलब काफी देर हो चुकी है। अगर किसी बच्चे को मतलब दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, तो हमने बात किए थे, तो हमको ऐसे रीजन मिले कि वो सीट का क्या होगा, सीट कैसे फील होगी। तो हमने कहा कि हमारा कंसर्न नहीं है, तो हमको मैडम से मिलने को कहा गया। जब हम लोग मैडम से मिलने गए तो मैडम भी अवेलेबल नहीं था, कोई भी अवेलेबल नहीं था। अच्छा, मतलब अवेलेबल नहीं थे लोग। आज 11 जून को आज रिजवी कॉलेज में FY BSc IT का रिजल्ट था, तो वो रिजल्ट लेने के लिए
बच्चे गए थे, आज उनको बुलाया गया था कि आज रिजल्ट दिया जाएगा, तो आपकी सिस्टर गई थी रिजल्ट लेने? अच्छा, हाँ सिस्टर लेने गई थी, लेकिन वो कुछ और रेस्ट्रिक्शन लगा रहे कि ये मैराथन में मैराथन के लिए रजिस्टर करो, ये तो कंसेंट नहीं दो। फीस आपने किस लिए के लिए, आपको फीस नहीं लेना चाहिए ना, मैराथन का ये रजिस्ट्रेशन फीस ले लो, रिजल्ट दे दो। जी, मैराथन रजिस्ट्रेशन टिकट खरीदने के लिए आपको कहा जा रहा था, कितना पैसा मांग रहे थे? हाँ 750 ₹750 मांग रहे थे। तो ये उन्होंने कंपलसरी किया था क्या, ऑप्शनल था ये? कंफर्म था, कंपलसरी था। कंपलसरी था, अगर वो नहीं टिकट खरीदेंगे तो आपको मतलब रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपको रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो फिर उन्होंने जो दिया घोषणा की थी कि रिजल्ट आकर लेके जाइए, तो काफी आपकी सिस्टर को दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, बहुत दूर से शायद। आप कहाँ से आप आते हैं, आपकी सिस्टर रिजवी कॉलेज मुमरा मुमरा से? मुमरा तो काफी 2 घंटा उनका वेस्ट हुआ, ऊपर से मनी वेस्ट हुई, एनर्जी वेस्ट हुई, और उनको रिजल्ट नहीं दिया गया। ठीक है, बहुत 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 शुक्रिया आपसे बात करने के लिए।